भारत के विकास को शक्ति प्रदान करते हुए विश्व की अग्रणी विद्युत कंपनी बनने के विजन के साथ एनटीपीसी साल दर साल कामयाबी की नई मिसाल कायम कर रही है। एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। कोयला, गैस, सोलर, जल विद्युत और पवन विद्युत संयंत्रों से कंपनी देश की बिजली की जरूरतों को पूरा कर रही है। साल 2010 में एनटीपीसी को महारत्ना कंपनियों की लिस्ट में शामिल किया गया। एनटीपीसी देश की विद्युत जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ सामाजिक दायित्वों को भी जिम्मेदारी से निभा रही है। कंपनी अपने सीएसआर कार्यक्रम के तहत कई राज्यों में अपने विद्युत स्टेशनों के आसपास महत्वाकांक्षी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। एनटीपीसी के सीएसआर प्रोग्राम से छत्तीसगढ़ के सीपत में हजारों लोगों को लाभ मिल रहा है। सीपत में शुद्ध पानी एक बड़ी समस्या थी। एनटीपीसी ने शुद्ध पानी उपलब्ध करवाने के लिए साल 2015 में वाटर एटीएम लगवाया। लोगों को इस सुविधा के लिए स्मार्ट कार्ड दिया गया। वो पापा का सर थोड़ा पथरी का प्रॉब्लम था और इलाज का भी कुछ किया और पानी का मैटर भी था। पानी में कुछ मैंने तत्व ज़्यादा था उसका, तो इसमें ये क्या मीठा भी है और बहुत अच्छा भी है पानी, इससे बहुत सुधार भी हुआ। पहले मतलब हेडपम्प से पीते थे और पानी थोड़ा मोटा थे, अभी हम से पानी पी रहे तब से अच्छी लग रही है। पहले तो हम ये सामने जो टेप नल है, हैंडपम्प है, इसी में से पानी यूज करते थे और टेप नल का भी पानी यूज करते थे। अब जब से सामने में फिल्टर लगा है, फिल्टर का ही पानी यूज करते हैं। पहले से बहुत बदलाव है। इसमें क्या है, आए दिन तबीयत खराब होना है, ये सब चीज़, बच्चे लोग को सर्दी खांसी, ये बढ़िया फिल्टर पानी मिल रहा है तो इसी में से यूज कर रहे हैं। आरओ प्लांट की देखरेख के लिए यहाँ ऑपरेटर भी रखा गया, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं खाली था उस समय, कोई रोजगार नहीं था मेरे पास, आज मेरे पास रोजगार है, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, इसी के जरिए से सैलरी मिल रहा है उससे, और मेरा भी जिंदगी से कट रहा है। एनटीपीसी ने यहाँ के स्कूलों में सौर ऊर्जा से चलने वाले आरओ वाटर प्लांट भी लगवाए हैं, इससे बच्चों को शुद्ध पीने का पानी मिलता है। हम लोग पहले हैंडपम्प से पानी पीते थे तो हम लोग को थोड़ा दुविधा होते थे, लेकिन अब आरओ वाला सौर ऊर्जा का पानी लग गया है तो हम लोग को सुविधा हो रहा है। आरओ के पानी से हम लोग का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और इसके लिए मैं एनटीपीसी को थैंक यू कहना चाहूँगी। हमने सरपंच को और हमारे जो प्रिंसिपल महोदय है मैडम, उनके द्वारा एनटीपीसी को आवेदन दिया गया, ये आरओ यंत्र लगाया गया, जिससे सभी बच्चों को, हमको, पूरे स्टाफ को, यहाँ के जो रहवासी भी हैं उनको भी आरओ का पानी, शुद्ध पानी मिल रहा है। स्कूल प्रबंधन की ओर से मैं एनटीपीसी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एनटीपीसी ने सिपत में लोगों को साफ पानी उपलब्ध करवाने के लिए पनभरिया गांव के तालाब की मरम्मत और सफाई भी करवाई है। पनभरिया तालाब बिलासपुर जिले का सबसे बड़ा तालाब है। एनटीपीसी सिपत द्वारा ग्राम गतौरा में करोड़ों का कार्य किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो कच्ची गलियाँ हैं उनको कॉन्क्रीटीकरण किया गया है, स्कूलों में कार्य किया गया है, सोलर पंप लगाया गया है, सोलर हाई मास्ट लगाया गया है और बड़ी बड़ी सामुदायिक भवन बनाया गया है। एनटीपीसी ने अपनी और परियोजनाओं फरीदाबाद, रामागुंडम, दादरी, सिंगरौली, टांडा, तालचेर थर्मल के साथ साथ विंध्याचल और अन्य परियोजनाओं के समीपवर्ती गांव में भी आरओ प्लांट लगवाए हैं, जिसका लाभ वहां के लोगों को मिल रहा है। एनटीपीसी मोबाइल हेल्थ क्लिनिक के जरिए हजारों लोगों की स्वस्थ होने में मदद कर रहा है। ये क्लिनिक देश के कई गांव में अपनी सेवाएं दे रहा है। यहां लोगों को हेल्थ चेकअप के साथ साथ दवाइयां भी मिलती हैं। देखिए, एनटीपीसी को धन्यवाद देते हैं, हमारे यहाँ जो गाड़ी आने से डॉक्टर जो आ रहे हैं, जो बढ़िया से मेडिसिन बच्चे लोगों को सर्दी खांसी जो भी बीमारी के लिए दवा दे रहे हैं, बहुत बढ़िया दे रहे हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम लोग लेबर कॉलोनी में थे उस समय मोबाइल वैन नहीं आता था, वहाँ हम लोगों को बहुत दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता था और आज हम प्रगति नगर बसाहट में जब से आए हैं
एनटीपीसी की जो सुविधा है हमें पर्याप्त रूप से मिल रहा है और इससे हमको बहुत ही राहत, और जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उनको और ज़्यादा मतलब इससे लाभ हो रहा है। सब ऐसे अगल बगल थे आता है, फिर बच्चा मल ऐसे धरते आता है, दवा पानी ऐसे देवत लेते, ठीक इलाज करते, सर्दी खांसी बुखार थे, हाथ पैर दर्द थे, दवा पानी सब देते। एनटीपीसी की कोरबा, कायमकुलम, रामागुंडम, रिहन, सिंगरौली, तालचे, कन्हा और विंध्याचल परियोजनाओं में मोबाइल हेल्थ क्लिनिक से आसपास के लोगों को स्वस्थ रहने में मदद मिल रही है। एनटीपीसी देश भर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है। यहाँ फैशन डिजाइनिंग से लेकर रेफ्रिजरेटर, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर, ब्यूटिशियन बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। मैं यहाँ पे ब्यूटी थेरेपिस्ट का कोर्स कर रही हूँ और इस कोर्स को यहाँ से CSSDA जो डिपार्टमेंट है वो करा रहा है, और यहाँ पे हमें वेल डेवलप जो प्रोडक्ट्स है वो हमें यहाँ पे दिए जाते हैं। माई ट्रेनर जो है वो बहुत अच्छी है, हमें बहुत अच्छे से ट्रेन करती है। यहाँ NTPC द्वारा जब प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था शुरुआत में, तो वहाँ पर DCA का प्रशिक्षण प्राप्त किए थे और इसी के आधार पर आज यहाँ पर हम टीचर पद पर कार्यरत। DCA का कोर्स करी थी और उसके बाद 3 महीने का मल्टीमीडिया का भी कोर्स करी, फिर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया यहीं पे NTPC में, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर सुपरवाइजर के पद पर मुझे दिया। NTPC महिलाओं को स्वरोजगार बनाने की दिशा में सराहनीय काम कर रहा है। महिलाओं को इसके लिए टेलरिंग, सिलाई, कढ़ाई और ड्रेस मेकिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। महिलाएं अपने घर का काम करने के साथ साथ इसकी ट्रेनिंग ले रही हैं। यहां से ट्रेनिंग लेकर कई महिलाएं खुद का कारोबार कर रही हैं। मुझे ऐसा लगा कि मेरा टाइम नहीं कटता, तो मैंने ऐसा सा कुछ भी करना चाहिए। इतने में मुझे पता चला कि इधर शिवन क्लास का क्लास शुरू होने वाला है, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी शिवन क्लास में जॉइंट हो चलूँ। वो 3 महीनों में जो सीखा है वो हमारा काम, खुद हमारा घर का काम हमारी अपने आप कर सकते हैं। हमें यहाँ से सामलोद में से NTPC से हमें जनशिक्षक संस्था में से वो शिवन क्लास के ट्रेनिंग हमने 3 महीने तक सुधी दी ली है हमने, और हमने वो सारा काम भी सीखा है, सिलाई काम का, और उनसे हम करते हैं काम और घर भी चलाएंगे उनसे। कैसे कटिंग करना चाहिए, कैसे वो दूरा सॉई धागा कैसे मिलना चाहिए, सब कुछ हमको सिखाया NTPC तरफ से, हमें पूरा सरकार सहयोग मिला। मैंने उनको सिखाया तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी, अपना खुद का काम कर सकेगी, और जो ग्राहक का होगा वो भी करेगी तो 2 पैसे मिलेंगे उससे। NTPC का शुक्रिया और धन्यवाद। NTPC ने रिहंद में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग दी है। गांव की महिलाएं कपास से धागा बनाने का काम भी करती हैं। क्योंकि पहले तो 10 रुपए के लिए कभी सोचना पड़ता था कि 10 रुपया कहीं से कहां से मिलेगा, कुछ सीखा नहीं है, कुछ करती नहीं हूं तो कहां से मिलेगा। अब तो सिलाई है तो सिलाई करके 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए कभी भी मिल सकता है। ट्रेनिंग हमको मिला था 45 दिन का बैग का, तो हम उसको बैग वही बनाते हैं, उसमें 7 लोग हैं, कहीं मेला लगता है तो वहाँ ले जाते हैं, बेचते हैं, अपना बेच के आते हैं, जो होता है उन लोग को देते हैं। NTPC में हम लोग सिलाई सीखे थे, ठीक सिलाई में हम लोग को मैंने बहुत कुछ सीखने का मिला, जब से सीखे हैं तब से हम सिलाई करते हैं अपना, हम बच्चे लोग का खर्चा निकाल लेते हैं अपना सिलाई से। NTPC रिहंद में कोयले की सप्लाई मध्य प्रदेश के सिंगरौली से की जाती है। पहले यहाँ कोयले की चोरी एक बड़ी समस्या थी, अब ट्रेनों की सुरक्षा के काम की ट्रेनिंग भी युवाओं को दी जा रही है। हम पहले छोटा मोटा काम करते थे अपने किसानी के लिए, एक के बाद अब इस समिति में हम लोग का सिक्योरिटी का काम मिल गया तो अच्छी हम लोग का बदलाव आया है। पहले सर छोटा मोटा आदमी काम करता था घर में, और इन काम मिलने से आदमी पैसा रुपया
भी अच्छा मिल जाता है। अपना लड़कों बच्चों का अच्छे जगह स्कूल का एडमिशन करा के पढ़ाई लिखाई हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एनटीपीसी ने गांव की लड़कियों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए गर्ल एम्पावरमेंट मिशन की शुरुआत की। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के सिंगरौली और विंध्याचल और उत्तर प्रदेश के रिहन से की गई। इस कैंप में 10 से 12 साल तक की लड़कियों को उत्तम जीवन, शिक्षा का महत्व, अनुशासन की जरूरत, आत्मरक्षा, स्वयं की स्वच्छता, स्वास्थ्य की जानकारी, सम्मिलित विकास, बातचीत के ढंग और हार्मोन्स परिवर्तन के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर ट्रेनिंग